कोई रूप नहीं बदलेगा सत्ता के सिंहासन का, कोई अर्थ नहीं निकलेगा बार बार निर्वाचन का, एक बड़ा खूनी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, अब तो भूखे पेटों का बाकी होना मजबूरी है, अब तो भूखे पेटों का बाकी होना मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। दोस्तों, तत्कालीन स्थिति देखा जाए तो हरि ओम पवार की ये रचनाओं की ये पंक्तियाँ बिल्कुल ठीक बैठती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके एग्जामिनेशन की डेट अभी तक नहीं आ पाई है किसी भी कारणवश, और उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ SSC और रेलवे एग्जामिनेशन को नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी एग्जामिनेशन की डेट अभी तक नहीं आई है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि पूरे छात्रगण को एक साथ अपनी एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने का कि यहाँ पर दोस्तों हमारे भारत में कोई तानाशाही शासन नहीं चल रहा है कि आपका जो मन में आएगा वही करेंगे, हमें किसी प्रकार के हमारे एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे। तो आप लोगों को अब बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि किस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर किस तरह से दोस्तों हमारी जो आपकी सरकार है उसका बॉयकॉट किया जा रहा है और किस प्रकार से क्रांति की लहर चारों तरफ दोस्तों दौड़ पड़ी है कि हमें अब आपको अब दोस्तों यहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा कि बेरोजगारी आप कैसे दूर करेंगे और किस प्रकार से तानाशाही जैसा शासन यहाँ पर चलाया जा रहा है। और दोस्तों, इस क्रांति में सबकी यही चाहत है कि पूरा देश एकजुट होकर अपनी इस क्रांति को हम लोग फैला दें और पूरा युवा पूरा छात्रगण एक साथ एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाए, इसलिए सारे यूट्यूबर्स मिलकर आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप भी इस क्रांति में भागीदारी लें, क्योंकि यही असली समय है जब सभी जो भी ज्ञान की आप तैयारी करें उसके लिए आप सवाल उठा सकते हैं, यही एकजुट होने का बिल्कुल ठीक समय है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपकी जो क्रांति की लहर है ये पूरे देश में दौड़ पड़ी है और सारे युवा इसका समर्थन भी कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों को भी इसका समर्थन करना है और क्रांति अपने घर से ही करनी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से आपकी कोरोना लगा है तब से दोस्तों सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एक कार्य के लिए कि एग्जाम कब होगा तो कोरोना है। यशस्वी एग्जामिनेशन की डेट को यहाँ पर दिखाकर दोस्तों हमसे यहाँ पर दोस्तों पैसा भरा लिया गया, उसके बाद एग्जामिनेशन की ना ही कोई डेट आई और ना ही हमारे पैसे वापस हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पैसे को लेकर उसको गजब से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और इस दिखा देंगे कि इस किस प्रकार से डिजिटल क्रांति की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को स्वयं आकर दिखाना पड़ेगा, स्वयं आकर जवाब देना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से बेरोजगारी से किस प्रकार से इसको दूर करने वाले हैं और किस तरह से आप लोगों ने अभी तक युवाओं के भविष्य को लेकर खेला है। और यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ बड़े एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा, BHU और CHS वाले बच्चे ये भी, अगर दोस्तों अगर आप छोटे हैं, आपके पास अगर मोबाइल नहीं है, आपके पास ट्विटर अकाउंट है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने बड़े भाई अपने माता पिता से कहेंगे कि यहाँ पर विद्रोह चल रहा है, पूरी क्रांति की लहर दौड़ रही है, आप लोगों को भी इस क्रांति में भाग लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने बच्चों ने यहाँ पर क्रांति में भाग ली है। यहाँ पर देखिए कि अभी जो कि प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात की है इसमें खिलौने बनाने की बात की है, यहाँ पर दोस्तों खिलौना बन चुके हैं, देश के युवा खिलौना बन चुके हैं और उन्हें किस प्रकार से खेला जा रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी का, बल्कि ध्यान है यहाँ पर कि देश किस प्रकार से आपके खेल को आपके खिलौना को बनाए। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस पर दोस्तों बहिष्कार हुआ है और 5.6 लाख बच्चों ने 5.6 लाख यहाँ पर अनलाइक आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, और केवल एक दिन में। ये दोस्तों अभी का आंकड़ा नहीं है, ये कल का आंकड़ा है, उसके बाद का आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए अगले दिन, देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 लाख अगले दिन यहाँ पर 9 लाख अनलाइक आया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अनलाइक करने का एक मात्र उद्देश्य है कि यहाँ पर देश की प्रधानमंत्री की और पूरे देश की यहाँ पर जितने भी बड़े आपके ओहदे पर पहुंचे हुए हैं जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी निगाह खुल जानी चाहिए कि किस प्रकार से हम युवा के साथ जो खेल रहे हैं अब हम उसको नहीं खेल पाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो देश के दोस्तों यहाँ पर भगत सिंह जी कहा था कि यहाँ पर दोस्तों हम जो बमबारी कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि आप लोग जो भारी हो चुके हैं उनके कान को खोल दिया जाए। तो अगर 1920 में आपके 1920 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद थे तो आज हम भी उनका ही खून हमारे दोस्तों हमारे भुजाओं में भी दौड़ रहा है, तो हमें भी दिखाना पड़ेगा 2020 में कि किस प्रकार से यहाँ पर क्रांति की जाती है और आप लोगों का ये तानाशाही शासन नहीं चल पाएगा। और इसके लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें किस प्रकार से क्रांति करनी है इस कोरोना काल में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कोरोना काल में किसी प्रकार की अब स्वयं गलती नहीं करनी है यहाँ पर, लेकिन इतना काम करना है कि आपको किस प्रकार से डिजिटल क्रांति करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आपकी यहाँ पर क्रांति चल रही है ये आपकी ट्विटर क्रांति चल रही है। कैसी क्रांति चल रही है आपकी? यहाँ पर दोस्तों जो आपकी क्रांति चल रही है ये आपकी ट्विटर क्रांति चल रही है। और ट्विटर क्रांति में दोस्तों आपको हैशटैग आपको स्पीक यूपी
फॉर यशस्वी रेलवे स्टूडेंट्स। ये दोस्तों आपको यह हैशटैग करके आपको लगाना है, और किसको किसको, आपके नरेंद्र मोदी जी को, आपके नरेंद्र मोदी जी को, प्रकाश जावड़ेकर को, ऐसे जितने भी आपको मिले, अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री साहब को, जितने भी दोस्तों उनके बड़े बड़े हैं, सबको दोस्तों आपको यहाँ पर टैग करके उनके लगे उनके पास ये भेजना है, उनके पास ये भेजकर उनकी आंखें खोलने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग अब युवाओं के साथ और नहीं खेल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको और बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी वीडियो आपको मिले, यहाँ पर जितने भी दोस्तों आपके, यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपको वीडियो मिले आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी के और जितने भी लोगों के मिले आपके बीजेपी संबंधित, सबको दोस्तों आपको अनलाइक करना है, सबको आपको अनलाइक करना है, अनलाइक करना है। और जितने भी न्यूज चैनल दोस्तों, आप न्यूज चैनल को भी बॉयकॉट करना है, न्यूज चैनल को भी बॉयकॉट करने का समय आ गया है, क्योंकि ये भी पूरा मिले हुए हैं, ये भी पूरा मिले हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके फिजूल, जितने फिजूल की न्यूज हैं उसको दिखाने का समय है आपके आज तक, यहाँ पर मैं नाम भी ले रहा हूँ, आज तक के पास, एबीपी न्यूज के पास, तो एबीपी न्यूज के पास जितने भी न्यूज हैं, इनके पास दोस्तों फिजूल की जो आपके न्यूज हैं उसको दिखाने का समय है, कि कहाँ कहाँ पर आपके सांप पकड़ा जा रहा है, क्या है दोस्तों जो आपके सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उस पर पड़ताल करने का ये समय है आपके एबीपी के पास और आज तक के पास, कि यहाँ पर सुशांत सिंह के बारे में क्या हो रहा है। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आपको इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि आप एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन की बात कर सके, कि किस प्रकार से देश का युवा यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से देश का युवा परेशान है। दोस्तों आपने राम मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन जब हमारे यहाँ पर दोस्तों नौकरी ही नहीं रहेगी, हमारे यहाँ पर दोस्तों हमारे खाने का ही बंदोबस्त नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, क्या हम जाकर भीख मांगेंगे? तो ये सब बातें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे यहाँ पर कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो समय आ गया है यहाँ पर दोस्तों बायकॉट करने का, पूरी सोशल मीडिया यहाँ पर जितने भी आपके न्यूज चैनल हैं उनका आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों दिखा देना है कि असली ताकत क्या है और किस प्रकार से दोस्तों अब आप लोगों को क्रांत करने में बताता हूँ। मैंने आपको बता दी कि ट्विटर पर आपको करना है, और ट्विटर पर दोस्तों आप एग्जाम तक ऑफिशियल हैशटैग लगा करेंगे तो मिल जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर ये आपका यहाँ पर चला दिया है, ये इसे दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पिंड कर दिया है ट्वीट को, इस ट्वीट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करना है, और यहाँ पर दोस्तों इस क्रांति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना है। हमारे यहाँ पर भी दोस्तों 1200 बच्चे हैं, और अगर आप लोग चाहें एक एक घर से अगर 3-4-4-5-5 कमेंट आए तो बहुत सारे कमेंट हो सकते हैं, पूरा देश लगा हुआ है, तो आप लोगों को भी पीछे नहीं छूटना है इसमें, सभी को अपना। यहाँ पर दोस्तों आप ये नहीं सोचेंगे कि चलिए मैं नहीं करता हूँ, कोई दूसरा कर देगा, कोई तीसरा कर देगा, नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक एक बच्चे को अपना सहयोग देना है, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों बीच में मैं 2 दिन वीडियो भी नहीं बना पाया, क्योंकि इसी में मैं लगा हुआ था कि इस प्रकार से कोई होगा, यहाँ पर दोस्तों जीडीपी की रेट भी कितनी ज्यादा हमारे यहाँ पर की पड़ी, तो सब कुछ हमारे देश तहस नहस हो चुका है। तो यहाँ पर देश की आंख खोलने का समय आ चुका है, और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी बात है, या फिर तो आप इस देश की स्थिति को सुधारें, या फिर दोस्तों आप इस्तीफा दें, लेकिन ये मनमानी शासन, ये तानाशाही शासन अब आपको हम नहीं चलाने देंगे। देश के युवाओं के साथ इस प्रकार से अब आप नहीं खेल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी एग्जाम हैं, जैसे यूपी जेल बॉर्डर, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस एग्जाम, डीआरडीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी बीएड एग्जाम, यूपी बीएड का एग्जाम किस प्रकार से कराया आप सब जानते ही हैं, सीटेट का एग्जाम, यूपी सीसीएस का एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, ग्रुप डी, सारे एग्जाम फंसे हुए हैं, इनके पास समय नहीं है एक भी एग्जामिनेशन कराने का। तो ऐसे जितने भी छात्र हैं, जितने आप लोग तो 2-2.5 करोड़ छात्र हैं, सब लोग आकर यहाँ पर दोस्तों मुहिम चलाएंगे, और ट्विटर के मुहिम में सब बच्चे इसको भाग लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर सीएचएस के जितने भी स्टूडेंट हैं, सीएचएस के स्टूडेंट भी अपने घर जाकर, या फिर अगर आप स्वयं मोबाइल चलाते हैं, आपके पास स्वयं अगर ट्विटर अकाउंट है तो आप लोग इसको साथ देंगे, और हमें दोस्तों आप ट्विटर पर फॉलो कर लेंगे, और वहाँ पर जो भी कमेंट आपको पिन किया गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करेंगे, और इस प्रकार से दोस्तों क्रांति में भाग लेंगे, पूरा देश जाकर लगा हुआ है, तो आप लोगों को भी दोस्तों इसमें पीछे नहीं छूटना है, इस बात को समझ कर चलिएगा। और यही समय है अपनी बात को दोस्तों ऊपर उठाने का। मैं सीएचएस की बात करूं तो सीएचएस की एग्जामिनेशन की डेट भी 16 अप्रैल को एक बार अपडेट की गई थी, क्या उन्हें पास इतना समय नहीं मिला कि वो हमें इतना ही बता दें कि अभी परेशान मत होइए, एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। तो ये समय क्या है दोस्तों, ये समय है यहाँ पर कोई भी आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, तो यहाँ पर अपनी ताकत दिखाने का बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर स्वर्णिम समय है, स्वर्णिम समय, तो आप लोगों को यहाँ पर भाग लेना है। किस प्रकार से भाग लेना है मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारे देश में तानाशाही चल रही है, और इस तानाशाही के विरोध में आप लोगों को किस प्रकार से कार्य करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें किसी भी प्रकार के कानून को नहीं तोड़ना है, लेकिन ट्विटर पर जाकर इसको, इस जो सेशन इसको चल रहा है इसको देखिए, मतलब कि ट्विटर पर यहाँ पर दोस्तों जो मुहिम चला जा रहा है उस पर अपनी प्रतिभाग करिए, और दोस्तों यहाँ पर जितने भी वीडियो आपके मिले नरेंद्र मोदी जी के, और दोस्तों यहाँ पर मैं तो यहाँ पर दोस्तों आह्वान करना चाहता हूँ जितने भी माता पिता भी देख रहे हैं आपके, उनको भी, कि आप लोग यहाँ पर सब कुछ भूलकर एक बार अपने बच्चे के लिए सोच लीजिए कि वो कब से तैयारी करके यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमें यहाँ पर नौकरी मिल जाए, और वहाँ के उन्हें किस प्रकार से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सब चीज़ के लिए कोरोना है, और सबके लिए कोरोना नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके मेट्रो भी आप खोल रहे हैं, किसके लिए, अपने रेवेन्यू को तो बढ़ाने के लिए मेट्रो खोल दे रहे हैं, सारी चीज़ें खुल रही हैं, मंदिरें खुल रही हैं, तो क्या आपको एग्जाम से नहीं ले सकते हैं,
एग्जाम ऐसा नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब कि देश के युवा के साथ बिल्कुल खेला जा रहा है और 500 हमसे भराया गया था, उसके बाद से उसकी कोई खबर ही नहीं आई। तो किस प्रकार से हमें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसको आप लोग समझ ही रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को विरोध करना है और जितने भी वीडियो नरेंद्र मोदी जी के दिन मिले या फिर और बीजेपी पार्टी से जितने भी आपको वीडियो मिले सब पर आपको अनलाइक करना है, सब पर आपको अनलाइक करना है। यहाँ पर मैं इसी बात को यहाँ पर दिखा रहा था आपको कि इसमें सीएचएस वाले विद्यार्थी भी आप पीछे नहीं छूटेंगे, सीएचएस के विद्यार्थी भी छूटेंगे नहीं और बीएचयू के स्टूडेंट भी नहीं छूटेंगे। आप लोगों के भी एग्जाम सेंटर डेट का किस साथ खेला गया है उसको आप लोग समझ रहे होंगे। सीएचएस के विद्यार्थी कितने परेशान है, लगातार हमें फोन आता है सर एग्जाम सेंटर डेट बता दी। मैं कैसे बता दूं, यहां पर जब एग्जाम की कोई डेट ही नहीं है, जब कोई सरकार इस पर बात ही नहीं करनी चाहती, तो मैं किस प्रकार से आपको बता दूं। तो यहां पर दोस्तों असली समय इस पर करने का आपको विद्रोह करने का, लेकिन यहां पर दोस्तों आपको ये नहीं बोलना है कि आपकी तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसको करते रहिए, दिन अगर 2-3 बार भी कर दिए ना तो पूरा देश एक बार हिल जाएगा। तो इसको करते रहिए और पर दोस्तों हमारी क्लासेस इसलिए नहीं रुक रही हैं, तो आप लोगों को अपनी तैयारी जारी रखना है लेकिन साथ ही साथ विद्रोह भी करना है। तो सुबह 8 बजे आपको जीके जीएस की क्लास चलती है, साइंस क्लास चलती है, तो ये सब क्लासेस देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ इस विद्रोह में भी अपना भाग लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चारों तरफ यहाँ पर ट्रेनर करा दीजिए कि किस प्रकार से देश का युवा एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखा सकता है। और दोस्तों हम तो शुरू से ही अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, तो अगर आप लोग भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जिस प्रकार से आपके जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह लड़े थे उस प्रकार से हमको भी लड़ना है। और किस प्रकार से इस डिजिटल के समय में तो आप लोगों को ट्विटर से यहाँ पर इसका विद्रोह करना है। और दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑफिशियल नंबर है 8574560837, जो भी इससे नहीं जुड़े हमसे आप जुड़ सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट क्लब से बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्वयं फोन आपको उठा रहा हूँ और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, जैसे फोन करेंगे मैं तुरंत आपसे फोन उठाकर बात भी करूँगा कोई भी समस्या हो तो। लेकिन आप लोगों को इस विद्रोह में भाग लेना है, इस विद्रोह में आप सभी को भाग लेना है। कोई भी समस्या हो तो इस चैनल पर इस आपके नंबर पर तुरंत बात कर सकते हैं हमसे, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और अपने देश के लिए यहाँ पर दोस्तों हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।